हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं पालक पनीर। तो मैंने यहाँ पे पालक को अच्छे से वॉश करके ले लिया है और कुछ तकरीबन 400 ग्राम जितना पनीर लिया है। मैं पालक पनीर में पनीर को रोस्ट करके नहीं लेने वाला, आप चाहो तो इसको रोस्ट करके भी ले सकते हो। तो यहाँ पे कुछ 3 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया है, लहसुन उसको भी मैंने बारीक चॉप करके लिया है, कुछ तकरीबन 1 या 1.5 इंच जितना अदरक का टुकड़ा उसको भी बारीक चॉप कर लिया है, और 7 से 8 जितनी हरी मिर्च उसको भी मैंने बारीक चॉप करके ले लिया है। तो अब हम चलते हैं पालक को बॉईल करने की प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे हमारा पानी अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें पालक को ऐड कर देंगे। हमें पालक को बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, कुछ तकरीबन 1 मिनट जितना ही हम उसको बॉयल करेंगे। तो पालक हमारा अच्छे से बॉयल हो चुका है, अब हम उसे पानी से बाहर निकाल लेंगे। छन्नी की मदद से मैंने गर्म पानी से उसको बाहर निकाल लिया है, अब मैं उसको ठंडे पानी के अंदर ऐड कर दूंगा और फिर उसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगा। तो ग्राइंड करने से पहले इसमें से जो भी एक्स्ट्रा वाटर है वो हम हाथ से दबा से निकाल लें और फिर उसको अच्छे से ग्राइंडर की मदद से ग्राइंड कर लें। तो मैंने यहाँ पे उसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और आप लोग देख सकते हैं, आपको भी बिल्कुल ऐसे ग्राइंड करना है। अब मैं उसको एक बाउल में निकालूंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। एक कढ़ाई ले लिया है और उसके अंदर मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल ऐड कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा और अब हम उसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ लहसुन और ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ अदरक। हम उसको भी अच्छे से सॉटे कर लेंगे। अब हम उसमें ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई ग्रीन चिली और फिर उसको भी सॉटे कर देंगे। अब हम उसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ प्याज और मिक्स कर देंगे अच्छे से। हमें इसको तब तक सॉटे करना है जब तक कि प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। अब हम उसमें ऐड कर देंगे कुछ मसाले, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। इसको भी मिक्स कर देंगे और हल्का सा सॉटे कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा पेस्ट, पालक का पेस्ट जो हमने पहले तैयार करके रखा है, और अब हम उसमें ऐड कर देंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं और ऐड कर देंगे 1 चम्मच गरम मसाला। इसको भी अच्छे से मिक्स करके सॉटे कर लेंगे। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें। ये अच्छे से सॉटे हो चुका है, हमें उसको ज़्यादा कुक नहीं करना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पनीर। पनीर ऐड करने के बाद इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लें और पनीर को भी हम तकरीबन 2 मिनट ही कुक करेंगे, ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम मलाई और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए लग रहा है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट टाइल पालक पनीर। ये अच्छे से हमारा पालक पनीर कुक हो चुका है, हमें इसे बहुत ज़्यादा और कुक नहीं करना है। अब हम इसे एक सर्विंग बॉल में निकाल लेंगे। तो एक बाउल में हम पालक पनीर को निकाल लेंगे और सर्व करेंगे। गार्निशिंग के लिए हम ऊपर से थोड़ा सा फ्रेश क्रीम और ऐड कर देंगे ताकि परफेक्ट रेस्टोरेंट आइल जैसा हमारा लुक आ जाए। गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।